हाय एवरीवन, गीता टीचिंग टिप में आप सभी को स्वागत है। तो जो बच्चे पहले अभी 5वें क्लास में हैं और 8वें क्लास में हैं, तो नवोदय के दाखिल के लिए नवोदय एग्ज़ाम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म आ चुका है। तो जो जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए PPR हो रहे हैं, अपने अपने नज़दीकी केंद्रों में जाके ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए। तो आइए क्या क्या है देखते हैं। तो पहले जो भी मेरे चैनल में नया हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और नए नए वीडियो देखने के लिए पास में हुआ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, तो मैं भी इस तरह के जो भी नए वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास पहुँच पाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय चयन प्रक्रिया माध्यम के विद्यालय में 8 तक शिक्षा माध्यम का मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा है, और इसके बाद की गणित के विज्ञान के लिए अंग्रेजी माध्यम तक, सामाजिक विज्ञान के लिए हिंदी माध्यम, जेएनबी के विद्यार्थी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा सम्मिलित हैं। इस विद्यालय तो छात्र छात्री को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवास एवं पाठ्य पुस्तक प्रदान की जाती है। केवल कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थी 600 रुपये प्रतिमाह विद्यालय के विकास निधि माध्यम के लिए लिया जाता है। तो याद रखेंगे, जो भी नवोदय के लिए नवोदय स्कूल में भर्ती होंगे, 9 से 12 तक प्रति बच्चों को 600 महीना प्रतिमाह देने के लिए पड़ेगा। और जो अनुसूचित जनजाति हैं कि गरीब सीमा रेखा की, तो उसको छूट दी गई है। और छूट के प्राप्त वर्ग कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बालिकाएं तथा गरीबी रेखाएं के लिए भी परिवार को छूट है। तो अतिरिक्त सरकारी या कर्मचारी को प्राप्त पाल्य से 1500 रुपये प्रति माह के दर के विकास के निधि के लिए अथवा माता पिता के द्वारा प्राप्त वास्तविक प्राप्तवय शिक्षण भत्ता, और जो भी कम हो दिया होगा, परंतु विद्यालय विकास के लिए 600 रुपये प्रति माह छात्र को कम नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। तो राज्यवार जवाहर नवोदय विद्यालय के वितरण कौन से जिले में, कौन से राज्य में कितना कितना है, वो डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप जानेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में है। आपको सारा डिटेल्स तो मैं नहीं बता सकती, तो आपके आप जो जो राज्य में है देख लीजिए। तो आइए देखते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2022 और 23 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 6 में प्रवेश हेतु जनवी चयन परीक्षा के सभी जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए चयन के शनिवार 30 अप्रैल 2022 को प्राप्त 11:30 बजे से आयोजित होगा। तो याद रखेंगे, 2022 के शनिवार 30 अप्रैल को 11:30 बजे आयोजित होगा। और इसका आवेदन जमा करने के लिए 30 नवंबर 2021 है। और आइए जानते हैं जनवी चयन परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें। तो जनवी चयन परीक्षा के लिए आपको नवोदय विद्यालय की समिति की वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर जाना होगा, और वहां पर आपको निःशुल्क से पंजीकृत करना होगा। तो उनके योग्य अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। अभ्यर्थियों को उसको माता पिता का, अभिभावक दोनों को हस्ताक्षर, याद रखिएगा, माता पिता का हस्ताक्षर और अभ्यर्थियों का फोटो प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, जिसका GPG प्रारूप अपलोड करने के लिए 10x10 KB का 10x100 KB का बीच होगा। तो प्रवेश पत्र जारी करना है, तो प्रवेश पत्र नसीब द्वारा निर्धारित तिथि अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि आवेदन पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। जनवी चयन परीक्षा के आयोजन के पूर्व अभ्यर्थियों माता पिता द्वारा प्रवेश पत्र निःशुल्क डाउनलोड किया जाएगा। तो चयन परीक्षा का परिणाम क्या होगा, देखिए, तो जो भी बच्चे चयन होंगे
तो उसका रिजल्ट जून 2022 को घोषित किया जाएगा। और उस रिजल्ट को आप देखने के लिए आपका जवाहर नवोदय विद्यालय हो या जिला शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी और नवोदय विद्यालय समिति का वेबसाइट के भी आप देख पाएंगे, उसको सूचना सूचित किया गया है। जो चयन तथा प्रवेश के बारे में ये डिटेल्स बताया गया था, मैं तो सब दिया गया है, मैं जो भी हेडिंग है आपको बता देता हूँ। तो कौन पात्र है आज ये देखते हैं, केवल उसी जिले के अभ्यर्थी जहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित है प्रवेश के लिए आवेदन के पात्र हैं, लेकिन उन जिलों के लिए जहाँ की जनवरी प्रारंभ होने के बाद जिले के विभाजन हुआ है एवं यदि विभाजन के निमित्त जिले के नवीन विद्यालय के नए खोले गया है, तो जनवरी चयन परीक्षा में प्रवेश हेतु जिले को भी पुरानी सीमा से अनुरूप अभ्यर्थियों को पात्रता रहेगी। समझ गए? तो प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों को जन्म 1/5/2009 से पहले वो 30/4/2013 को के बाद नहीं होना चाहिए। तो याद रखिए, जो बच्चे दाखिल होंगे नवोदय में उसका जन्म 1/5/2009 से पहले वो 30/4/2000 के बाद नहीं होना चाहिए। ये सब आपको डिटेल्स दिया गया है, तो आइए देखते हैं ग्रामीण अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या है। तो प्रत्येक जिले में कम से कम 75% स्थान ग्रामीण क्षेत्रों से चुने गए हैं। अभ्यर्थियों को शेष स्थान पर उसी जिले के शहरी क्षेत्रों से चुने गए हैं, अभ्यर्थियों द्वारा ही भरे जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के कोटे के अंतर्गत प्रवेश लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को ग्रामीण क्षेत्र के स्थित किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से तीसरी, चौथे तथा पांचवी कक्षा का पूर्ण शैक्षिक सत्र अध्ययन किया हो। अभ्यर्थियों ने कक्षा में 5 पूर्ण शैक्षिक सत्र से उसी जिले के अध्ययन किया हो जहाँ वह प्रवेश चाहता है। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के संस्थान की योजना की तरह पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को जिलाधिकारी, तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह ग्रामीण क्षेत्र है। तो उसका जो रेसिडेंट है वो जिस ग्राम क्या है उस रेसिडेंट उसको सबमिट करना पड़ेगा। तो शहरी अभ्यर्थियों को क्या है, देखिए, जिस अभ्यर्थी ने किसी भी शहर में स्थित में विद्यालय के तीसरी, चौथी तथा पांचवी कक्षा से क्षेत्र में दौरान यदि एक दिन भी उस विद्यालय के शिक्षा ग्रहण की है तो वह शहरी अभ्यर्थी माना जाएगा। तो शहरी क्षेत्र के भी जिन्हें 2011 जनगणना से अथवा उसके बाद किसी भी सरकारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया गया है वो अन्य सभी क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा। तो समझिए, तो आइए और देखते हैं चयन उपरांत प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र। प्रवेश के लिए क्या क्या प्रमाण पत्र चाहिए, देखिए, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, नसीब के शास्त्रों के अनुसार योग्यता प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट में अभी कह रहा था वही, तो और केवल NRIM अध्ययन करने वाले के लिए निर्धारित प्रारूप निवास प्रमाण पत्र, अन्य कोई आवश्यक पत्र। तो ऑनलाइन चालू हो रहा है, कर दीजिए, 1 माह की टाइम है आपके पास। और एक बात, जो बच्चे अभी 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं 9वीं क्लास के लिए भी जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर करें, उनका डेट भी ये 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, तो अप्लाई कर दीजिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और भी नया नया कुछ जानने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो थैंक यू।